हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। अभी मैं खाना बना रहा था। बहुत गर्मी है, जस्ट अभी भी लाइट आई है। देखिए दोस्तों, है क्या कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आंकड़ा है, 3 महीने के एक साथ फरवरी मार्च अप्रैल के रिलीज कर दिया गया है। कितना आंकड़ा बढ़ा है, कितना बढ़ रहा है, मैंने डेटा ऑलरेडी शेयर किया है। बाय द वे, ये पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, जो इन मंथ्स का है। तो 0.6 फ्रॉम जनवरी 2024 से मई 2024 तक का जो डेटा है, मई नहीं अप्रैल तक का ही है, मई का आने वाला है, इसी महीने आएगा। तो 0.6% ये बढ़ रहा है। तो बाद में दोस्तों देखिए है क्या, बड़ी बात है कि बोला जा रहा था कि 50% जो डिनर्स लाउंजेस है उसके आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि बेसिक को डबल कर दिया जाए, मतलब 1.5 गुना कर दिया जाएगा। मतलब 50% जो डीए है वो बेस सैलरी में मर्ज हो जाएगा। तो ऐसे में 8th जो पे कमीशन है उसके आने के चांसेस बहुत कम थे। सोर्सेज बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि 8th पे कमीशन आएगा। तो हकीकत ये है कि चांसेस पूरे हैं कि अब जो डीए मर्जर का है, 50% जब ज़्यादा होता है तो 0 कर दिया जाए और बेस सैलरी 50% बढ़ा दिया जाए, जिससे कि देखिए गए कि विसंगति ऑलरेडी तैयार होती है। क्योंकि जो कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनकी ऑलरेडी ग्रेड पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, बेस पे ज़्यादा रहता है, तो उनकी सैलरी तो तुलनात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही मेन वजह थी। और दूसरी बात यह है कि 8th पे कमीशन जो 8वां वेतन आयोग है वो 100% आने वाला है, इसी वजहों को लेके, ठीक है ना। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार जो जुलाई 2024 है उससे महंगाई भत्ता आपका 50 से भी ज़्यादा बढ़ेगा। और एमपी गवर्नमेंट का मे भी कि इसी महीने जो 50% आंकड़ा होने का है 46 से बढ़ा के वो कर दिया जाए। कोई भी अपडेट होगी मैं बताता रहूँगा। धन्यवाद।